वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। आज माइंड योर बॉडी में हम बात करने वाले हैं कि एंकल स्प्रेन जब होता है उसमें कंप्रेशन बैंडेज को किस तरीके से बांधना है। ये कंप्रेशन बैंडेज है मेरे पास, इस तरीके का बहुत आराम से आपको मार्केट में किसी भी केमिस्ट के पास मिल जाएगा। जब आपका एंकल स्प्रेन होता है तो मूवमेंट थोड़ी भी होती है हमारे एंकल पे तो बहुत पेन होता है, तो अगर आप ये कंप्रेशन बैंडेज बांध लेते हैं तो एक तो स्वेलिंग कम होती है, दूसरा आपका मूवमेंट के टाइम पे पेन भी कम होता है क्योंकि जब आप मूव कर रहे हैं आपके एंकल पे मूवमेंट कम होगी। तो आइए देखते हैं फटाफट कि किस तरीके से बांधना है, सही तरीका क्या है कंप्रेशन बैंडेज को बांधने का। सबसे ज्यादा एंकल स्प्रेन जो है वो हमारे पैर इस पोजीशन में मुड़ने से होता है जिसमें हमारा पंजा नीचे की तरफ जा रहा है और अंदर की तरफ जा रहा है। इस पोजीशन में यहाँ पे खिंचाव आता है और यहाँ पे इंजरी हो जाती है, तो जब भी आपका पैर इस पोजीशन में जाएगा आपको दर्द होगा। ठीक है, तो अब बैंडेज बांधने का हमारा प्राइमरी एम है कि हम अपने पंजे को सीधा रखें। सीधा यानी कि जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है उसे बाहर की तरफ, पूरा बाहर नहीं करना है, न्यूट्रल करना है, और जो पंजा ऐसे नीचे की तरफ है उसको ऊपर करना है। ध्यान रखना कि हमें पूरा ऊपर और ऊंचा नहीं करना, 90 डिग्री में इस पोजीशन में करना है। ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि बैंडेज कैसे बांधना है। आप ऐसे कंप्रेशन बैंडेज ले लीजिए, कंप्रेशन बैंडेज में ये लगा हुआ आएगा, ये इसको होल्ड करने के लिए होता है। हम जो है हल्का सा ऊपर से बांधना शुरू करेंगे। ठीक है, हल्का सा ऊपर से एंकल के जस्ट ऊपर से बांधा, एक राउंड और लगा दीजिए, इससे अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। अब ध्यान से देखना है, अब इस तरीके से मैं नीचे लेके गई, मैंने अपना हील जो है उसको कवर नहीं किया है, इस तरीके से नीचे लेके गई और यहां से ध्यान रखना है कि मैंने बाहर की तरफ खींचा इसको हल्का सा, क्योंकि हमें इस पोजीशन से हटाना है, तो हल्का सा बाहर की तरफ खींचा और फिर ऊपर आके इस तरीके से घुमाया। ठीक है, अब दोबारा मैं नीचे की तरफ ले गई इस तरीके से और फिर से मैंने इसको बाहर की तरफ खींचा, हल्का सा बाहर की तरफ और हल्का सा ऊपर की तरफ खींचना है। फिर से इसी तरीके से आप ले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर और आगे की तरफ आप कवर करते जाएंगे। और ये हो गया लास्ट, इस तरीके से खींच के और इस तरीके से करके आपने इसको जो है क्लिप्स से इसको स्टेबल कर दिया। अब आप देखिए इस तरीके से आपका ये पैर हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि हल्का सा पंजा इधर की तरफ फिक्स हो गया है। अब क्या होगा कि जब आप जब भी मूवमेंट करेंगे आपका पैर, एक तो मूवमेंट कम हो जाएगी आपके पैरों पे तो आपका दर्द कम होगा, दूसरा पैर जो पोजीशन जिसमें दर्द होता है उस पोजीशन में भी नहीं जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ऊपर की तरफ जब आप बांध रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर नहीं आना चाहिए ज्यादा, ये सिर्फ स्टेबल रखने के लिए है। जब आप नीचे की तरफ कर रहे हैं तो आपका फिगर ऑफ एट है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे की तरफ, और जब इधर की तरफ खींच रहे हैं तो हल्का सा इधर की तरफ बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ खींच के और तब आप दूसरी साइड से लेके आएंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना, यहाँ पे आपको हल्का प्रेशर लगाना है, यहाँ पे प्रेशर नहीं लगाना है, यहाँ पे भी प्रेशर इतना ज्यादा नहीं लगाना है कि आपकी ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक जाए, इतना टाइट नहीं करना है, स्टेबल चाहिए, फर्म चाहिए बट बहुत टाइट नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एंकल स्प्रेन में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं और उन एक्सरसाइजेस को फॉलो कर सकते हैं और ये कंप्रेशन बैंडेज जो है उसको बांध सकते हैं। ठीक है, इसको बांध के आप काम भी कुछ कुछ कर सकते हैं जितना आपका एंकल अलाउ करता है आपको। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।